अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हैंड फीट वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा लोशन बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जिसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। सिंपल से आपको चीज़ें चाहिए और ये विंटर के लिए, विंटर में हमारे हाथ पाओं का कलर काफ़ी डार्क हो जाता है, तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है ये आपके हाथ पाओं को सॉफ्ट भी बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने कोई सा भी लोशन लेना है, जो आप लोग कैजुअल में यूज़ करते हो वही लोशन इसमें यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी स्पेशल ब्रांड का इसमें यूज़ करना है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है वो लोशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो लोशन मैंने लिया है 2 टीस्पून, और आपने इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल आपने इसमें ऐड करना है। किसी भी ब्रांड का आलमंड ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपने फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं, लाइक 5 to 6 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। आलमंड ऑयल भी हमारे हाथों पाओं को सॉफ्ट बनाता है और कलर भी बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा आपको इसमें ग्लिसरीन चाहिए। ग्लिसरीन आसानी से मिल जाती है मार्केट से, और ये विंटर में यूज़ किया करें, बहुत अच्छी होती है। सिंपल आप अपने हाथों पाओं पर भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपने ग्लिसरीन को लगा के धूप में नहीं जाना होता। तो ग्लिसरीन भी मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1/4 टीस्पून। ज़्यादा क्वांटिटी आपने इसमें यूज़ नहीं करनी। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, इनका जो क्वांटिटी है वो आप लोग डबल कर सकते हो, और इसको बनाकर आराम से आप लोग 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 10 दिन के बाद आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको लेना है और पूरे हाथों पाँव के ऊपर अप्लाई कर देना है। रात को लगाना है, रात के लिए है ये, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन हमने यूज़ किया और आलमंड ऑयल यूज़ किया। इसको आप लोग लगा कर बाहर धूप में नहीं जा सकते, नहीं तो उल्टा आपके हाथों पाँव का कलर डार्क हो जाएगा। तो इसको यूज़ करके देखिए, घर में बनाए आराम से और आसानी से बन जाती है। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा सा लेना है आपने इसको, अपने पूरे हाथों पाँव के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि क्या हम इसको फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? तो फेस के ऊपर नहीं आप इसको अप्लाई कर सकते, क्योंकि लोशन को फेस के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन डल हो जाती है। फेस की और हाथों पाँव की स्किन में बहुत फ़र्क होता है, तो आप इसको फेस के ऊपर ना लगाएं। इसमें ऑयल भी है, तो ये सिर्फ हाथों पाँव के लिए, इसमें इसको अपने हाथों पाँव पर ही अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है वीडियो, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।